महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में नगर निगम सदन हॉल में मंगलवार को पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के तहत वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर्स द्वारा क्षय रोग मुक्त भारत लक्ष्य के अनुरूप कार्यशाला का आयोजन किया गया। पार्षदगढ़ वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर्स की कंट्री डायरेक्टर प्रचारी प्राची शुक्ला, जिला क्षय रोग अधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। कार्यशाला में क्षय रोग विषय पर विस्तृत रूप से प्रोजेक्टर एवं प्रेजेंटेशन के माध्यम से उपस्थित सभी पार्षदगण एवं नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों को पूर्ण जानकारी दी गई। यह कार्यशाला में क्षय रोग के विषय पर समय से उपचार करने हेतु अपने अपने तरह से जागरूक किया गया, जिसमें जिला कार्यक्रम समन्वय धर्मवीर, जिला PPM कोऑर्डिनेटर अभय मिश्रा, नवीन अग्रवाल, चंद्रशेखर जोशी, डॉक्टर विराट आदि उपस्थित थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर मिश्र और महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, किसी अंगठाई डॉक्टर या झोला छाप से मिल के कुछ और विधि में काम करते हैं तो वो ऐसे पेशेंट का उपचार नहीं है। डायग्नोस्टिक पेशेंट सीटिंग फीचर इज नॉट नोटिफाइड। सरकार के द्वारा निश्चय पोर्टल बनाया गया है, जो भी पेशेंट अगर टीवी का निकलता है भूल दिखाई दे रहा है, वो सबसे कम है, सबसे बड़े से लेकर सबसे कम। तो अभी हम लोग यहाँ पर हैं कि जो हम लोग ट्रीटमेंट ट्रीटेड पेशेंट को हमारे यहाँ जो चल रहे हैं जैसे जैसे उसको हम लोग नोटिफाई भी कर रहे हैं, जैसे पूरे देश में हम लोग का नोटिफाई भी है, रजिस्टर भी है। ऐसे पेशेंट जो होता है पाया जाता है उसको टीवी 500 रुपये टीवी के माध्यम से हम लोग उसको पेमेंट कर रहे हैं। आप लोग जानेंगे तो उसका लक्षण क्या हो सकते हैं, खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा, फीवर 2 हफ्ते से ज़्यादा, वेट लॉस लगातार उसका वेट महीने में गिरता रह रहा है, और चेस्ट पेन रेडियोलॉजी जो एक्सरे में अगर उसका आता है तो उसको टीबी का पेशेंट मान सकते हैं। नगर निगम के अधिकारीगण एवं जिला क्षय रोग विभाग की तरफ से जिला क्षय रोग अधिकारी सर, उप जिला क्षय रोग अधिकारी सर की तरफ से एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया की तरफ से हम सभी सम्मानित पार्षदजनों को आभार और धन्यवाद। डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा, जिला क्षय रोग अधिकारी गोरखपुर। आयोजन जो है नगर पालिका में अपने महापौर महोदय, पार्षद, कर्मचारी, अधिकारी को टीवी के बारे में सेंसिटाइज करने के लिए किया गया है, क्योंकि यह टीवी रोग जो है एक जन स्वास्थ्य से संबंधित पूरी समाज की समस्या है, और जब तक हम इसको प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, तब तक जो है अपने देश प्रदेश से ज़िला से टीबी को मुक्त किया नहीं जा सकता है, क्योंकि यह टीबी जो है सामान्यतः छींकने खांसने से जो टीबी का रोगी होता है, यदि छींकता है खांसता है तो उसके करीब जो भी व्यक्ति बैठते हैं उससे टीबी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए इसको जन जागरूक करना हमारा अति आवश्यक कर्तव्य है। इसलिए हर विभाग में हम जो है जन जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक कर्मचारी अधिकारी को इसके बारे में सेंसिटाइज कर रहे हैं कि इससे से ज़्यादा हमारे केस टीबी के डिटेक्ट हो सके और उनका समय से इलाज किया जा सके। देखिए, आज टीबी पर सरकार के तरफ से डॉक्टर ने कार्यशाला का चलाई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि देश से पूरी तरह से टीबी का उन्मूलन। ये बड़ी विडम्बना है कि इतने संसाधन रहने के बाद भी जागरूकता के अभाव में 4 लाख लोग प्रतिवर्ष टीबी से मरते हैं। संख्या इससे कहीं ज़्यादा है। हमारी सरकार ने एक अभियान चलाकर इसको समाप्त करने की योजना बनाई है, उसी के तहत इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था।
इस कार्यशाला में टीबी के बचाव और टीबी के इलाज के बारे में पूरी जानकारी हमारे सभी अधिकारियों, नगर निगम के कर्मचारियों एवं पार्षदों की उपस्थिति में दी गई है। और मैं आम जनता से अपील करता हूं कि जरा सा भी टीबी का संदेह हो तो सरकारी अस्पताल में जाएं, वहां उन्हें मुफ्त में दवा दी जाएगी तब तक जब तक कि वो ठीक ना हो जाएंगे। और साथ ही साथ सरकार 500 रुपया प्रति महीना के हिसाब से उनको सहयोग राशि भी खाने पीने के लिए मुहैया करा रही है। इसके तहत 27 लाख रुपया 6 महीने के अंदर टीबी मरीजों को बांटे गए हैं। ये बहुत बड़ी योजना है, देश को स्वस्थ सुंदर और मजबूत रखना है तो सफाई और बीमारी पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा। इसी के तरह सरकार के तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। आज यहाँ चलाया गया, फिर भी पूरे ज़िले में हमारे एक वैन भी है जिसमें प्रोजेक्टर लगे हुए हैं और टीबी के बचाव के लिए, उनके लक्षण के लिए पूरा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और मैं आम जनता से पुनः अपील करता हूँ कि सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाएं और टीबी से गोरखपुर शहर, पूरे ज़िले को मुक्ति दिलाएं।